हेलो गाइस वेलकम टू माय मास्टर क्रिकेट कोच आज मैं आपको हाउ टू थ्रो योर बैटिंग ग्रिप ग्रिप के बारे में आपने देखा होगा दुनिया का जो टॉप का बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर वो बिल्कुल बॉटम से जो है वो बॉ बैट को पकड़ता है अब सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके समझने की है जो काफ़ी लोग जो है ना वो इसको समझते नहीं है हेलो गाइस वेलकम टू माय मास्टर क्रिकेट कोच आज मैं आपको हाउ टू इम्प्रूव योर बैटिंग ग्रिप ग्रिप के बारे में मैं बताऊंगा ग्रिप जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैटिंग के अंदर और अगर आपकी ग्रिप सही है तो आपकी बैटिंग की बहुत सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी तो आज आपसे जो डिस्कशन होगी इस वीडियो के अंदर वो है हाउ टू इम्प्रूव योर बैटिंग ग्रिप बैट को कहाँ से पकड़ना है क्या जो है ना कैसे उसको आपने ग्रिप करना है और फिर कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं वो भी मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि बैट के पार्ट्स कौन कौन से हैं ये भी जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है जैसे कि आप ये मेरे हाथ में बैट देख रहे हैं तो ये बैट का हैंडल है ठीक है और ये जो बैट आप देख रहे हो ये जो आउटसाइड है ये आउटर एज है और ये इसका इनर एज है और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आगे ग्रिप में जाके आपको वो समझ आएगी वो दिस सेंटर ऑफ द बैट जो है इसको कहते हैं स्प्लिस ऑफ द बैट स्प्लाइस ऑफ द बैट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद फिर हैंडल जो बैट है उसका जो सेंटर है उसको मिडल ऑफ द बैट कहते हैं और स्वीट जो है ना ऑफ द बैट भी कहते हैं फिर बैट का जो है वो बॉटम पार्ट है तो ये दो है ना ये, न, ये बैट की जो है ये पूरे पार्स जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था अब सेकेंडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके समझने की है जो काफ़ी लोग जो है ना वो इसको समझते नहीं हैं वो आपका टॉप हैंड कौन सा है आपका बॉटम हैंड कौन सा है जो राइट हैंडर बैट्समैन है उनका जो टॉप हैंड है वो जो लेफ़्ट होता है वो उसका टॉप हैंड होता है उसका जो राइट right हैंड होता है वो उसका बॉटम हैंड होता है तो और लेफ्ट हैंडर के लिए क्या है कि इनका जो राइट हैंड होता है वो उसका टॉप हैंड होता है और जो लेफ्ट हैंड होता है उसका बॉटम हैंड होता है तो इसलिए ऑलवेज़ यूज़ कई दफ़ा मैं देखता हूँ लोग यूज़ करते हैं जी लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड नो क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं है इसे टॉप हैंड एंड बॉटम हैंड ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी अब हम आएंगे ग्रिप की तरफ कि बैट को ग्रिप कहाँ से पकड़ना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपने टॉप हैंड की जो ग्रिप है वो कैसे पकड़ेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि बॉटम हैंड की ग्रिप दोनों को मैं लहदा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए इसके लिए कैसे इसको आपने करना है हमेशा आप देखिएगा एक बॉटम हैंड की जो वी है और एक टॉप हैंड की जो वी है ये एक लाइन में पैरेलल होनी चाहिए इसको हम कैसे अचीव करेंगे इसको अचीव करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा ये जो आपका अगर मैं राइट हैंडर बैट्समैन हूँ तो जो लेफ्ट लेफ़्टडर है वो इसको उसी तरह ही उल्टा कर लीजिएगा अब क्या राइट हैंड बैट्समैन जो ये थम है ये सेंटर ऑफ द बैट थम आप रखेंगे और ये जो है फिंगर्स जो है ये आउटर एज के ऊपर होंगी तो आप इसको बिल्कुल ऐसे फील करिएगा फील करके तो ये मैंने पकड़ लिया और आप देख रहे हैं कि ये वी मेरी बन रही है और ये जो वी है ये सेंटर ऑफ द बैट जो स्प्लाइस स्प्लाइस ऑफ द बैट है और आउटर एज के इन बिटवीन कहीं पे है ये वेरी करता है हर बैट्समैन के साथ कोई मखसूस जो है कोई ख़ास जगह मैं आपको नहीं कहूँगा कि यहाँ ये वी जो है यहाँ फिनिश करे ये इन बिटवीन स्प्लाइस ऑफ द बैट जो सेंटर ऑफ़ द बैट है और उसके साथ फिर आउट ऑफ़ द बैट के बीच के अंदर आप इसको फील करेंगे इसको आप कहीं पे भी कर सकते हैं दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि फिंगर्स आउटर एज पे हैं थम मेरा जो है ये सेंटर पे है और आप इसको जो है वो जस्ट फील करें ये आप देख रहे हैं कि ये इसका वी बन गई है इसी तरह अब आपने क्या करना है कि बॉटम हैंड की जो ग्रिप है वो कैसे होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगी कि आप ये बैट को दोनों फिंगर्स जो है वो आउटर एच पे हैं थम जो है वो उसका आ, आउटर एच पे है और फिंगर्स इनर एच पे हैं तो ये बिल्कुल आप इसको ऐसे फील करेंगे और ये आपकी जो है ये देख लें ये दोनों वीज जो हैं ये पैरेलल आ रही हैं और ये बीच में आ गई हैं उसके अब इसको इसके साथ अब जो इम्पॉटेंट चीज़ है वो है कि बैट को होल्ड कहाँ से करना है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये समझने की चीज़ है इसको मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसका क्या इम्पॉर्टेंस है आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो बॉटम से पकड़ते हैं कुछ लोग जो हैं वो टॉप से पकड़ते हैं लेकिन जो रिकमेंडेड है जो ज़रूरी है बॉटम एंड से पकड़ने का क्या नुकसान या फ़ायदा वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और फिर उसके बाद जो टॉप हैंड उसका भी लेकिन बैट कहाँ से पकड़ना है ये जो आपका हैंडल है ये टॉप हैंडल का टॉप टॉप है ये मिडल है और ये बॉटम है ये किसका ये हैंडल का तो यहाँ से आपने हमेशा जब बैट को पकड़ना है तो आपने उसको सेंटर ऑफ द बैट जो सेंटर ऑफ द हैंडल जो है ना सेंटर ऑफ द हैंडल से आपने उसको पकड़ना है क्यों पकड़ना है उसका क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। आपने देखा होगा दुनिया का जो टॉप का बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर वो बिल्कुल बॉटम से जो है वो बैट को पकड़ता है एडम गिलक्रिस्ट और बहुत ज़्यादा लोग तो देखे हैं वो टॉप से बिल्कुल हैंडल से पकड़ते हैं और उसका जब आप टॉप हैंडल से पकड़ते हैं तो आपकी रीच थोड़ी बढ़ जाती है और आप थोड़ा हिटिंग करने में आपको आसानी हो जाती है जब जो बॉटम हैंड से पकड़ते हैं तो वो ज़्यादातर सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं और सॉफ्ट हैंड से खेलने से जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट हैंड और डिफेंसिव वो ज़्यादा उससे खेलते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपके जहन में आ रहा है कि जी टेंडुलकर ने तो सौ सेंचुरियाँ की हैं लेकिन आपको जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ टेंडुलकर ने बहुत ज़्यादा रनस किए बहुत ज़्यादा सारा कुछ किया बॉटम बॉटरमैन से पकड़ता था एडम गिलक्रिस्ट लेकिन ये सब उनके लिए उनको जो सूट करता था वो उसी के ऊपर फिर उसको मास्टर करते गए उसी के ऊपर उसको प्रैक्टिस 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 और ठीक करते गए लेकिन क्योंकि आप अभी बिगनर हो स्टार्ट कर रहे हो आपको मे बी ये बॉटम जो है ना हैंडल से पकड़ना सूट ना करें मेबी आपको ये टॉप हैंडल से पकड़ना सूट ना करे तो सूट क्या करेगा आपको ये मिडल वाला जो है मिडल ऑफ द बैट जो है आप अगर बॉल पकड़ेंगे तो आप उसको परफेक्टली खेल सकेंगे अभी जब हमने ग्रिप की थी वीज को आपको मैंने बताया था उसके अंदर आपने जो एक चीज़ नोट करनी है कि ये जो बॉटम हैंड है ये ऑलवेज़ रिमेन जो है ना बड़ा सॉफ्ट होगा सॉफ्ट होगा कि जब आप खेलोगे तो ये जो है ये बिल्कुल एक पेंसिल ग्रिप की तरह होगा अगर ये टाइट होगा तो टाइट होने से क्या नुकसान होगा आपका बैट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा आप अगर जो है ना इसको आउटर वो ऐसे पकड़ा होगा थोड़ा आउटसाइड पे तो ये फिर आउटर एज इसका जो है ना खुल जाएगा तो एज लगने का खतरा होगा तो ये चीज़ जो है ना आपने ज़रूर नोट करनी है कि ये वाली जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए अब मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा कि जो कॉमन मिस्टेक्स जो है वो जो ब्लेयर करते हैं ड्यूरिंग ग्रिप आपने जब इस पकड़ना है वीज आपने लेनी है इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है बार बार प्रैक्टिस करनी है और फोकस करना है उसके बाद फिर आपने उसको प्ले में लेके जाना है जितनी ज़्यादा इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके फिर मेमोरी के अंदर ये स्टोर होता जाएगा और आपको खेलने में वो आसानी होगी तो आपने हर वक्त जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप फील करें ये फिर आपने इसको ये किया और ये फील आ गई है अब आप देखें अगर मेरी परफेक्ट ग्रिप है तो मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरा बैट देखें कितना स्ट्रेट है अगर मैं ऑन पे खेल रहा हूँ तो देखें मेरा बैट कितना स्ट्रेट है अगर मैं कवर पे खेल रहा हूँ तो बैट मेरा कितना स्ट्रेट है ग्रिप का बहुत ज़्यादा रोल है इसीलिए मैंने आज जो है आपसे ये डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी ग्रिप अगर ठीक हो जाएगी तो आगे आने जा वाली बैटिंग के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फिर इम्प्रूवमेंट आपकी जल्द अज जल्द, जल्द आएगी शॉर्ट्स के अंदर डिफेंस के अंदर हर चीज़ में इस ग्रिप का जो है वो बड़ा ज़्यादा रोल है ही पड़ेगी आप। तो ये तो ये कैसे आपने अपनी ग्रिप को ठीक करना है इम्प्रूव करना है और मेरी कोचिंग वीडियोस आप लाइक करें सब्सक्राइब करें मेरे माय मास्टर क्रिकेट को चैनल को कोचिंग वीडियोस अब आती रहेंगी आपके पास और हर किस किस्म की शॉट के ऊपर बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग मेंटल साइड हर किस्म की वीडियोज़ आपको मिलेंगी बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच